वहां पाकिस्तान अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि भारत ने पीओके में आतंक के अड्डे को तबाह कर दिया है। दरअसल हमने इस चीज का जिक्र क्यों किया कि पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है, हालांकि पाकिस्तान छिपाने को भी हम ये कहें कि कहीं ना कहीं तैयार नहीं है, क्योंकि जैसे ही सेना की तरफ से इस चीज की पुष्टि आई कि वहां पर आतंकी पैड्स को निशाना बनाया गया, जितने लॉन्चिंग पैड्स थे उन्हें तबाह किया गया क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इस चीज पर वायलेशन किया गया था, तो पाकिस्तान के ही DGISPR ने लिखा कि हमारे यहां पर जो रिहायशी इलाके वहां पर गोलीबारी हुई है, क्योंकि वो इसे छिपा नहीं सकता था, लेकिन अभी भी सच बताने को वो तैयार नहीं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि भारतीय सेना के पराक्रम से कैसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आतंक पर बड़ी चोट हुई है। सबूत नंबर एक, पीओके में आतंकी ठिकाने तबाह, आतंकी अड्डे खंडहर में तब्दील हो गए। सबूत नंबर दो, आतंकी ठिकानों पर भारतीय हथियार साफ देखे जा सकते हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे पीओके में आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। आतंकियों के जलते हुए ठिकाने भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। सबूत नंबर चार, आतंकी ठिकाने पूरी तरह धुआं धुआं हो गए। सबूत नंबर पांच, आतंकी जहां ठहरे हुए थे ये वही ठिकाने हैं और इनकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकियों का कैसे संहार हुआ होगा। सबूत नंबर छह, आतंकियों के ठिकाने की जमीन और छत दोनों गायब हैं। सबूत नंबर सात, दरवाजे खिड़की सब उखड़ चुके हैं। सबूत नंबर आठ, मलबे में तब्दील हो गया आतंकी अड्डा। सबूत नंबर नौ, आतंकी ठिकाने मरम्मत करने लायक भी